सम्मान्य मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ। सम्मान्य मुख्यमंत्री जी की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी है। साथियों, आप ये भी जानते हैं कि एक बात तो और स्पष्ट हो गई है, सम्मान्य मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सम्मान्य मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तो ये जो विरोधाभास है, इसको समझाना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं ये स्पष्ट कर देना चाहिए। आप सबको मालूम है, सरकार बनने के बाद मैं प्रदेश का उप मुख्यमंत्री था, प्रदेश अध्यक्ष था, और 2020 में देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में मेरे पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी। अनेक ऐसे प्रकरण हुए और हम सब लोग, और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि